राधे राधे गुरु मेरे चरण में आपका कोटि कोटि प्रणाम तो आपके पति हैं या नहीं जी नहीं है आपकी उम्र कितनी है चौबीस शादी कब हुई थी आपकी सन 1917 में 18 साल की उम्र थी तो। 1917 में हाँ 2017 हाँ 2017 हमें <laughs> लगा एलियन तो नहीं हो जी <laughs> सरकार को देख लीजिए या फिर आप जो है महाराज को आप ज़्यादा होते हैं, इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं वही आपको एक वीडियो दिखाता हूँ आप देख सकते हैं जिसमें देखिए वो एक बाबा जो है मंत्र फूंकते हैं और वहाँ पे जो आंटी जी का जो खुजली वो चला जाता है गले में नहीं है नहीं हो कबाड़े लोहा टीन प्लास्टिक कबाड़े वहाँ पे डॉक्टर का मजाक भी बनाते हैं मीम बनाया तो देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर धाम सरकार वाले बाबा जी को कहा जाता है कि वो जो है किस प्रकार सिद्धि प्राप्त किए हुए हैं और कई लोग कहते हैं सुहानी शादी से लोग कि ये माइंड रीडिंग है बाकी कुछ नहीं है चलिए ये माइंड रीडिंग है या सिद्धि कोई भी अपनी जगह हो लेकिन बात ये होता है ना कि अपनी तरफ से ये जो है धर्म का प्रचार ही कर रहे हैं सनातन धर्म के धर्म ध्वज को आगे बढ़ा रहे हैं और ये खुलेआम जो है ये भी कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे चलिए सब फेक है मान लिया चले सब झूठ है लेकिन बात ही साथ ये सामूहिक कन्या विवाह कर रहे हैं लोगों को जो है जो आर्थिक रूप सहायता प्रदान कर रहे हैं और साथ ही साथ में ये जो जो अनाथ जो लोग हैं जो कन्या है पुरुष है उनको जो है विवाह सामूहिक कर विवाह करवा रहे हैं और साथ ही साथ उनके लिए ये जो है दहेज का भी अरेंजमेंट कर रहे हैं उनको जो है कूलर ए फ्रिज बाइक सब चीज़ ले दे रहे हैं तो ये समाज सेवा का एक तरह से जो है कारण है और चलिए एक बात और बताइए कि चलिए ठीक है ये लोग सब फ्रॉड है मान लिया मैं अनुरुद्धाचार्य जी महाराज के अब सारे रील्स देख सकते हैं बारी बारी मैं लगा दूंगा उसको देख लीजिएगा तो बात यही है कि इनको अगर फ्रॉड कह रहे हैं हम लोग चलिए ठीक है लेकिन ये बताइए क्या इन्होंने किसी धर्म के विरुद्ध बोला क्या इन्होंने किसी को भड़काया

चलिए इसमें क्या है गुरु जी जो बता रहे हैं उनको कुछ उपाय बता रहे हैं लेकिन बात वही आधा अधूरा इसको काट काट के जो है आपको मीम की तरह वायरल किया जा रहा है और वही हिंदू जिनको गाली दे रहे हैं जो हिंदू है वो हिंदू को ही गाली दे रहे हैं चलिए मुझे ये बताइए और कुछ क्लिप्स है उनको भी देख लीजिए आपको ये बताइए कि ये जो बाबा जी हैं क्या किसी धर्म के विरोध में बोल रहे हैं या फिर ये अपने आप के जो है अपने धर्म के बारे में बता के सिखा रहे हैं लोगों को कि आप धर्म के बारे में कैसे जानिए कैसे जागरूक रहिए वो बताते हैं किस प्रकार से बालिकाओं को जो है भ्रांति में फैला के इनका जो है दूसरे धर्म परिवर्तन कर दिया है इनको जो है किस प्रकार से इनकी हत्या कर दी जाती है यह सब चेतावनी देने वाले लोगों को जो है मीम पेजेस जो कि हिंदू ही चलाते हैं, वो हिंदु के भड़का रहे हैं। जा कि, है। है कि है, हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं असल में होता क्या है ये आधे कटे फिटे क्लिप्स है ऐसे कि आपको सबसे बड़ा मैं एक उदाहरण देता हूँ जी महाराज को आप साइड में कर लीजिए कौन है हमारे आशा राम बापू जी को जान के ना सभी लोग आप बोलेंगे कि लौंडिया बास था इसने ऐसा किया वैसे ठीक है लेकिन आपको एक बहुत बड़ी चीज़ पता होगी या फिर नहीं होगी आपको शायद कि एक जो महिला ने उनके विरुद्ध जो गवाही दिया था उसने उन्होंने बहुत सालों के बाद वो गवाही जो है बदल दिया था मतलब पहले वो अगेंस्ट में उनके तो बोली थी नहीं कि उन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया दुष्कर्म किया लेकिन वही बाद में पलट गई थी तो सोचिए ऐसे कैसे कोई पलट सकता है क्या बहुत दिनों के बाद क्या वो भूल गई उस चीज़ को तो इस प्रकार से बिल्कुल छलावा होता है क्योंकि सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए सनातन धर्म के जो प्रचारक है उनको बदनाम करने के लिए कुछ खास ग्रुप के लोग होते हैं जो कि इनको बदनाम करना ही चाहते हैं इसीलिए जो है किसी न किसी के साथ इनका नाम जोड़ते रहते हैं और किसी न किसी तरह से पैसा फंडिंग के द्वारा इनका नाम बदनाम करते रहते हैं तो उसी प्रकार से गौरी गोपाल वृद्धाश्रम चलाने वाले अनुद्धाचार्य जी महाराज जो चलिए ठीक है मैं इनका कोई सपोर्टर नहीं हूँ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का सपोर्टर नहीं हूँ बहुत लोग इनको सिद्धि वाला मानते हैं बहुत लोग इनको फ्रॉड मानते हैं मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं आपको जो मानना है मानो भाई आपकी स्वयं को स्वतंत्र मर्जी दिया गया है लेकिन बालाजी सरकार का तो इज्जत करते हैं ना हनुमान जी का सम्मान करते हैं ना चलिए आप धीरेन्द्र को ना माने लेकिन बागेश्वर बालाजी को तो या ना, लेकिन भगवान में ना हो थी, 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 थी। तो लेकिन जी को तो मानो और रही बात जी महाराज की तो ये गौरी गोपाल वृद्धास्पित जिसमें रखते हैं तो वो खुद बताते हैं कोई भी बूढ़ी माँ आप एक काम कीजिए आप किसी अपनी बूढ़ी माँ को लीजिए ऑपरेशन के तहत आप बूढ़ी माँ को लेके जाइए उन्हें अनाथ करके देख देखिए उनका एक्सपीरियंस पूछिए आप पूरा प्रोशन कर लीजिए इतनी बड़ी मीडिया है भारत में इतने बड़े आप यूट्यूबर हैं इतने बड़े आप मीम पेजेस चलाते हैं तो आप वैसे एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए वहाँ किसी बूढ़ी माँ को भेज के आपको सच का सच पता चल जाएगा तो इस प्रकार से कुछ धर्म सुधारक हैं उनको बदनाम कृपया करके ना चले वो बोलते हैं जी महाराज की जो है चार या पाँच बहुत बड़ी रसोई है जगन्नाथपुरी और जो है हमारे तिरुपति बालाजी की है और भाई गोल्डन टेम्पल अमृतसर के उसी में से वो गौरी गोपाल वृद्धाश्रम जो चलाते हैं उनमें से रसोई भी है वो बोलते हैं कि लगातार वो उसमें खाना बंटवाते बटवाते रहे गौशाला चलाते हैं तो इसके लिए पैसा लगता है ये बोलते हैं माइन नहीं बोल रहा हूं कि बहुत बड़े संत है और आत्मा है क्योंकि श्री कृष्ण को भी उस समय गाली दिया गया था विवेकानंद जी को भी अपने समय गाली दिया गया था वैसे मोदी जी को अभी गाली दिया जा रहा है और मैं ये नहीं बोल रहा हूं क्योंकि भगवान है ये मोदी जी या यादाचार्य जी या बागेश्वर धाम जी लेकिन बात वही है कि किसी के अच्छे काम तब दिखते हैं जब वो आदमी नहीं रहता है या फिर बहुत समय बीत जाते हैं तो इसी प्रकार से किसी को सही या गलत बोलना ये मेरे जो है ये तो मैं नहीं सोचता हूं बाकी आप सद्बुद्धि भगवान आपको दिए हुए हैं आप अपने आप में जो है इसका जो है आप जो है थिंकिंग कर सकते हैं लॉजिक लगा सकते हैं आपको जो करना है आप कर सकते हैं आपकी बुद्धि इतनी क्षमता दक्षता इतनी होगी आप समझ सकते हैं अच्छा पूरा क्या होता है लेकिन सबसे बड़ा समस्या क्या है पता है कि आजकल लोग एक वीडियो में जो है पूरा बहक जा रहे हैं जैसे कि किसी ने वीडियो बना दिया एक ठो अब धुरू मराठी को जानते हो कि डिक्टेक्टर रखकर मोदी जी को इतना वायरल किया था दूर से वो गायब भी हो चुके हैं बिल्कुल लेकिन वैसी बात है कि आप ना आज के समय में लोग इतने जो है एकदम मैनिपुलेट हो हो चुके हैं कि एक वीडियो किसी के पॉजिटिव में बना लोगे तो आप उनके पूरे भक्त बन जाएंगे और एक वीडियो किसी के विरोध में बना लेंगे तो उनके विरोधी बन जाएंगे इसी प्रकार से मीम पेजेस जो है एक चीज़ को वायरल करते हैं तो लगातार सभी मीम पेजेस उसको कॉपी पेस्ट करते हैं ना कि अपना पक्ष रखते तो इस प्रकार से मूर्खता में ना पड़े भेड़ चाल ना चले अपने जो है सदबुद्धि का उपयोग करें सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं और बाकी आप क्या सोचते हैं अवश्य बताइएगा मैं इनमें से किसी को जो फैन वैन नहीं हूँ बाकी सम्मान सभी का है क्योंकि इन्होंने सनातन धर्म के लिए कार्य किया है हम सभी का सम्मान अवश्य करते हैं बाकी मेरे साथ बोले जय श्री राम हर हर महादेव